तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक रिकैप दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2019 को हमारी अर्थ एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट में खत्म हो गई और उस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 सर्वाइवर्स थे और ये वही सेम लोग थे जिन्होंने ये कैटाक्लिज्म लाया था। फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 के साथ एकेडमी के सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउस और बेन को, जो कि टेलीपोर्ट होकर एक गली में गिरते हैं। और जब वो लोग पोर्टल में देख रहे थे और बाकी लोगों को बुला रहे थे तभी पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों गली से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि वो लोग कहाँ पर हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ का फैशन काफी अलग है। तभी बेन कहता है कि आई थिंक हमें पूछना चाहिए कि हम कौन से साल में हैं। तभी बेन को डस्टबिन में एक मैगजीन मिलती है और उसमें डेट लिखी थी 11 फरवरी 1960। देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 1960 के टाइमलाइन के डैलस टेक्सस में हैं। अगले सीन में हमें एलिसन दिखाई जाती है जो कि 1961 में टेलीपोर्ट होती है और उसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी एलिसन की फोटो खींच लेता है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन गली से बाहर निकलती है और पास की कॉफी शॉप में जाती है और वहाँ वो देखती है कि उस कॉफी शॉप का माहौल काफी अलग था और वहाँ का मैनेजर उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसपे लिखा था व्हाइट्स ओनली। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस बार लूथर टेलीपोर्ट होता है जहाँ बारिश हो रही थी और फिर वो डिएगो, फाइफ और एलिसन का नाम चिल्लाता है और यही हमें पता चलता है कि वो 1962 में टेलीपोर्ट हुआ था। और तभी पीछे से सेम बंदा लूथर की भी फोटो खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो टेलीपोर्ट होता है 1 सितंबर 1963 में और वो भी उसी सेम गली में और उसकी भी फोटो खींच ली जाती है। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां से निकलकर देखता है तो एक चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहा था, जिसे डिएगो पकड़ लेता है अपनी सुपर पावर्स का यूज करके और उस लड़की का पर्स उसको लौटा देता है। तभी वो टीवी में किसी का स्पीच देखता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अक्टूबर 12, 1963 में वान्या टेलीपोर्ट होती है और वो भी उसी गली में जहाँ पे बाकी सब लोग आए थे। और जब वो उस गली से बाहर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो नंबर 5 भी उसी गली में टेलीपोर्ट होता है नवंबर 25, 1963 को। और जब नंबर 5 गली से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ वॉर चल रही होती है और तभी वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसके हेडलाइन पे लिखा था सोवियत अटैक्स यूएस। और जैसे ही नंबर 5 वहाँ से उठ के आगे जाता है तभी एक टैंक मिसाइल लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ वाने आ जाती है और उस मिसाइल को अपनी पावर से फोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस दिखता है जो कि डेड सोल्स को कंट्रोल करके कई सारे सोल्जर्स को निपटा देता है। फिर हम देखते हैं कि लूथर हवा में उड़कर आता है बिल्कुल हमारे इनक्रेडिबल हल्क की तरह और क्लाउस को बचा लेता है अपने पीठ पर एक ब्लास्ट झेलकर। तभी हम देखते हैं कि पीछे से 3 सोल्जर्स अटैक करने आ रहे थे और तभी ऊपर की बिल्डिंग पे खड़े बेन की सूल ने अपनी पावर का यूज करके उन्हें बचा लिया। फिर एंट्री होती है एलिसन की और वो 3 सोल्जर से कहती है कि उसने अफवाह सुनी है कि उसने उनके सिर फोड़ दिए और तभी उन तीनों की डेथ हो जाती है उनके सिर फटके। फिर एंट्री होती है डिएगो की जो कि एक कार पे खड़ा रहता है और कई सारे सोल्जर्स उसको घेर लिए थे और उस पे फायर करते हैं और तभी डिएगो जंप करता है और हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर्स की बुलेट वापस उन्हीं को लग जाती है। और फिर डिएगो नंबर 5 पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम अब तक थे कहाँ, यू सिक सन ऑफ अ बिच। एंड जैसे ही नंबर 5 डिएगो के पास जाने ही वाला था वहाँ पर हेजल आ जाता है अपने ब्रीफकेस के साथ टेलीपोर्ट होके और उसको रोक के कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ आओ, जिसपे नंबर 5 पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसपे हेजल बताता है कि उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। और फिर हेजल नंबर 5 को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक बार फिर से कयामत आ जाती है और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेजल और नंबर 5 उसी जगह पर 10 दिन पहले टेलीपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे हेजल नंबर 5 से बताता है कि तुम्हारे पास 10 दिन है टाइमलाइन को रिस्टोर करने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बस में से 3 लोग निकल कर आते हैं और उनपे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी हेजल नंबर 5 के पॉकेट में कुछ डालता है और उसको ब्रीफकेस पकड़ा देता है, जिसके साथ नंबर 5 एक कार के पीछे टेलीपोर्ट होता है और हेजल की डेथ हो जाती है। फिर नंबर 5 किसी तरह वहां से बच के निकल जाता है और वापस उसी गली में जाता है जहां वो टेलीपोर्ट हुआ था। तभी वो देखता है कि एक विंडो में से कोई बंदा उसे छुप के देख रहा होता है और इसी बिल्डिंग के छत पे कई सारे एंटीना वगैरह लगे हुए थे और उस बिल्डिंग पे लिखा था मॉर्टिस शिपिंग एंड रिसीविंग।
और जब नंबर 5 अंदर जाकर डोर नॉक करता है तो साइड से एक बंदा निकलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे नंबर 5 बोलता है कि वो अपने यूथ ग्रुप के लिए इंसाइक्लोपीडिया बेचना चाहता है। और इससे पहले कि नंबर 5 कुछ बोलता, वो बंदा डोर बंद करके अंदर चला जाता है और तभी नंबर 5 भी टेलीपोर्ट होके उसके रूम के अंदर चला जाता है, जिसे देख के वो बंदा डर जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बंदा रिसर्च कर रहा होता है उन टेलीपोर्टेशंस को लेके। उसे लगता है कि एलियंस विजिट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये सब एकेडमी वाले थे जो कि नंबर 5 की पावर्स की मदद से इस टाइमलाइन में आ रहे थे। तभी वो बताता है कि पिछले 3 साल से कई सारे लोग यहाँ आए हैं और ये सब 1960 से शुरू हुआ, जब सिल्वर टोन ओमेगा रिलीज हुआ था, यानी कि पहला कलरफुल टीवी। और जब वो बंदा टीवी बेच रहा था तभी उसे कुछ अजीब सी लाइट्स दिखाई दी, और जब वो छत पे जाकर देखता है तो उसे क्लाउस दिखता है। और उसके बाद से वो इन सभी इवेंट्स को नोटिस करता गया था, जहां उसे 5 बार सेम चीजें दिखाई दी थी और उसमें से 5 लोग आए थे। फिर वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं, तभी नंबर 5 उस बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकूं। जिसपे वो बंदा नंबर 5 को डिएगो से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है, जिसमें लिखा था कि एक बंदा कई सारे वेपन्स के साथ पकड़ा गया है और उसे पागलखाने में रखा गया है। और फिर नंबर 5 कहीं टेलीपोर्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पागलखाने में डिएगो कुछ लोगों के बीच बैठकर डॉक्टर से बात कर रहा होता है। और जब डॉक्टर उस ग्रुप से बात करके निकलते हैं तो डिएगो एक लड़की से बात करता है। वो उसे बताती है कि तुमने बहुत ही खराब एक्टिंग की, जिसपे डिएगो कहता है कि फिर भी वो डॉक्टर तो फंस गया ना। और फिर डिएगो उठकर डॉक्टर से बात करने जाता है और उसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मेरी हालत कैसी है। तो डॉक्टर उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तुम अब लेस कॉम्पिटिटिव हो, जिसपे डिएगो पूछता है कि वो यहाँ से कब निकल सकता है, जिसपे डॉक्टर बताते हैं कि 90 दिन में उसका रिव्यू होगा, फिर वो निकल सकता है। फिर वो डॉक्टर से बहस करने लगता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी को कुछ लोग मारने आएंगे, जिसपे डॉक्टर उसके हीरो कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करने लगते हैं। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है, जहां डिएगो धीरे से उनकी जेब से पेन निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वहां एक गार्ड आता है, तभी डिएगो खुद पे कंट्रोल करने का नाटक करता है और वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो उस लड़की से बैठकर बात कर रहा होता है, तभी गार्ड आकर बताता है कि तुमसे मिलने कोई विजिटर आया है। और हम देखते हैं कि जब डिएगो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां नंबर 5 आया था उससे मिलने। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, डिएगो बताता है कि वो कब टेलीपोर्ट हुआ था और कितने दिन से उस पागलखाने में है। अब यहाँ पे नंबर 5 उसे बताता है कि एक कयामत है जो कि हम लोगों के साथ आ गई है, और इस बार 10 दिन में एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे डिएगो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, बट पहले वो प्रेसिडेंट कैनेडी को बचाएगा, जिसपे नंबर 5 गुस्सा हो जाता है और उसके जेल से भागने के प्लान के बारे में गार्ड को बता देता है, जिसपे डिएगो गुस्से में नंबर 5 को मारने जाता है। तभी वहाँ के गार्ड डिएगो को टेबल पे दबा लेते हैं और उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। तभी नंबर 5 कहता है कि अभी तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें लेने बाद में आऊंगा। फिर सीन कट होता है और हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में एक बच्चे के साथ वान्या खेल रही होती है। तभी बाहर से एक औरत आती है और हमें पता चलता है कि ये वही औरत और बच्चा है जिन्होंने अपनी कार से वान्या को ठोक दिया था, और इसी वजह से वान्या की मेमोरी चली जाती है और अब वान्या उनके साथ रह के उनके बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वान्या उनकी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, तभी औरत का हस्बैंड उसे काम का बहाना बता के निकल जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं एक कार में क्लाउस और बेन कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार एक बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जब क्लाउस कार से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसने अपना हुलिया बदल रखा है। तभी बेन उसे बताता है कि ओवरहीटिंग की वजह से इंजन बंद हो गया है, और फिर बेन कहता है कि ये काफी अच्छा होता अगर तुम बता देते कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसपे क्लाउस कहता है कि हम वापस डेलस जा रहे हैं। तभी बेन कहता है कि नहीं, हमें वापस सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए क्योंकि उसे कोई जरूरी काम है। अब यहाँ पे वो दोनों आपस में बहस कर लेते हैं, जो कि मारपीट तक आ जाती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, यानी कि क्लाउस की पावर काफी इम्प्रूव हो गई है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों टहलते हुए एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पे क्लाउस बारटेंडर से पूछता है कि डेलस के लिए अगली बस कब मिलेगी, जिसपे वो बारटेंडर बताता है कि कल 3 बजे। अब यहाँ पे क्लाउस के पास काफी सारा टाइम था, तभी वो एक आदमी के बहकावे में आकर पोकर खेलने लगता है। अब यहाँ पे वो लोग उसे चढ़ा रहे होते हैं, जहाँ बेन भी अपनी भड़ास निकाल लेता है क्लाउस से झूठ बोल देता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। और क्लाउस अपने पैसे देते वक्त उस बंदे की कार की चाबी उठा लेता है, जिसपे वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है। और जब क्लाउस बेन की पावर यूज करने जाता है तो बेन मना कर देता है,
अब यहाँ पे क्लाउस कार की चाबी लेकर क्लब से बाहर भाग जाता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें एलिसन दिखाई जाती है और वो किसी दूसरे बंदे के साथ रह रही होती है उसकी वाइफ बनके। वो दोनों किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एलिसन को एक प्री एनिवर्सरी गिफ्ट देता है जो कि एक मून से रिलेटेड बुक थी। वो कहता है कि तुम हमेशा रात में मून को देखते रहती हो, सो अब तुम जब चाहे तब मून को देख पाओगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर किसी जगह फाइटिंग कर रहा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूथर ने अपनी बॉडी पे काफी वर्क किया हुआ है, उसके डोले शोले आ गए हैं और फिर वो अपने ओपोनेंट को अच्छे से कूट के वो मैच जीत जाता है और फिर उसे फाइटिंग के पैसे मिलते हैं जिसे वो एक आदमी को दे देता है और वो आदमी उससे कहता है कार लेके आने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक ब्यूटी पार्लर में एलिसन और उसके हस्बैंड ने सीक्रेटली मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई थी। अब यहाँ हम गेस कर सकते हैं कि एक इलीगल मीटिंग थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। अब यहाँ पे सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने राइट्स को लेके, तभी कोई डोर नॉक करता है और जब एलिसन वहां जाके देखती है तो डोर पे मिस्टर मेसन थे जो कि उन लोगों को डिस्टर्ब करने आए थे। अब उन लोगों की बात सुनकर ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जिसके वजह से मिस्टर मेसन उन्हें क्रिटिसाइज करने आए थे। तभी मिस्टर मेसन बहस करने लगता है जिसपे एलिसन उसे मार के भगा देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या आधी रात में उठकर किचन में जाती है और सीसी से कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, क्या रात वाला केक बचा है। और तभी वान्या देखती है कि सीसी सिगरेट पी रही होती है और तभी सीसी उसे भी एक पीने को कहती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या और सीसी स्मोकिंग कर रहे होते हैं और अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। सीसी बताती है कि उसने अपना एक सीक्रेट रखा है। वो बताती है कि उसने किचन के सिंक में एक कॉफी कैन में काफी सारे पैसे छुपा के रखे हैं ताकि जरूरत आने पर वो उन पैसों से आजाद हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो की आंख खुलती है और वो खुद को एक सेल में पाता है जहाँ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर वो अपना शोल्डर डिसलोकेट करता है और अपनी शर्ट उतार लेता है और फिर उस डॉक्टर के पास से चुराई हुई पेन की हेल्प से डोर ओपन कर लेता है और अपने सेल से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर एक मिल्क वैन रुकती है जिसमें वो तीन गुंडे निकलते हैं जिन्होंने नंबर 5 पे अटैक किया था, जिसमें से एक मिल्कमैन की यूनिफॉर्म पहना था और उस पागलखाने में आके वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि अंदर हंगामा मच जाता है और डिएगो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे गार्ड पकड़ लेता है और वो गार्ड डिएगो को मारने ही वाला था कि तभी उसे वही लड़की बचा लेती है जिससे वो डॉक्टर के साथ मीटिंग के टाइम बात कर रहा था। अब वो लोग वहां से निकलकर भाग रहे होते हैं तभी उन्हें वो तीनों गुंडे मिलते हैं और वो तीनों उनपे गोली चला देते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं और फिर वो तीनों गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं और उनपे गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एक दरवाजे से निकल के पागल खाने के बाहर चले जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक क्लब का सीन जहां एक लड़की लूथर से बात कर रही होती है। तभी लूथर पूछता है कि उसके बॉस के बगल में कौन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ सीसी का हस्बैंड कार्ल बैठा हुआ था और तभी वो लड़की लूथर को बताती है कि उसे तो उस बच्चे के बारे में काफी टेंशन आ रहा है। और जब लूथर उस बच्चे की तरफ देखता है तो उसे पहचान लेता है क्योंकि वो बच्चा नंबर 5 था। अब यहाँ पे लूथर नंबर 5 से जाकर बात करता है जहाँ 5 लूथर को बताता है कि कयामत फिर से आने वाली है और हमें उसे रोकना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर 5 अपनी स्पीच दे रहा होता है और हम कई सारे शॉट्स देखते हैं जिसमें से एक में हम देखते हैं कि क्लाउस अरेस्ट हो गया है कार चुनाने के चक्कर में। फिर सीन वापस लूथर पे शिफ्ट होता है और वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।